2019 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल, जिसकी सीक्वल अनाउंसमेंट हुई इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो क्या उस मूवी की रिलीज डेट जल्द ही होने वाली है चेंज? वेल, रिपोर्ट्स तो बताती हैं कुछ ऐसा ही। दरअसल ड्रीम गर्ल जो में हमें नजर आएंगे आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे के साथ ही अनु कपूर, परेश रावल, विजय राज, राजपाल यादव, असरानी, मनोज जोशी, सीमा पहवा, अभिषेक बैनर्जी जैसे कई सुपर टैलेंटेड एक्टर्स, जिसकी रिलीज डेट अनाउंस की गई है ऑन नेक्स्ट ईयर्स 29th of June। तो अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मेकर्स ने ले लिया है डिसीजन इस मूवी की रिलीजिंग डेट को करने का चेंज, और उसका रीजन कुछ ऐसा है जो कर देगा आपको हैरान। जी हाँ, ड्रीम गर्ल 2 के मेकर्स नहीं चाहते हैं कि उनकी मूवी क्लैश करे म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म सत्य प्रेम की कथा के साथ, जहाँ स्टार करते आएंगे नजर कार्तिक आर्यन एंड कियारा अडवाणी। वेल यस, यू हर्ड इट राइट, ड्रीम गर्ल 2 को डायरेक्शन देंगे पार्ट 1 की तरह ही राज शांडिल्य और प्रोड्यूस करेंगी एकता कपूर। तो अब रिपोर्ट्स की माने तो एकता ने डिसीजन ले लिया है इस बात का कि उनकी मूवी ड्रीम गर्ल 2 क्लैश नहीं करेगी नडियाडवाला ग्रैंडसन प्रोडक्शन सत्य प्रेम की कथा के साथ, और या तो मूवी की जाएगी प्रीपोन टू 23rd of June या फिर होगी पोस्टपोन टू 7th of July, लेकिन नहीं होगी रिलीज ऑन 29th of June। यानी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज डेट चेंज होना है श्योर। अब ये देखना होगा कि मेकर्स मूवी को करते हैं प्रीपोन या फिर पोस्टपोन। वही एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा, जो पहले होने वाली थी रिलीज ऑन 11th of November और करने वाली थी क्लैश विद एडवेंचर ड्रामा फिल्म उंचाई, उसकी रिलीज डेट तो हो चुकी है अब लॉक्ड। जी हाँ, योद्धा अब 2022 में नहीं बल्कि रिलीज होगी इन नेक्स्ट ईयर। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर सामने आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी एंड राशि खन्ना ऑन 7th of July। यानी अगर ड्रीम गर्ल 2 के मेकर्स करते हैं अपनी मूवी को 1 week पोस्टपोन, तो उनकी मूवी क्लैश करेगी विद योद्धा। वेल नाउ लेट्स सी कि ऑफिशियल रिवाइज रिलीज डेट सामने आती है कब और होती है क्या। टू नो मोर बॉलीवुड न्यूज़, स्टे ट्यून्ड टू गूगल बॉलीवुड।